मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाँ सर, यस सर। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सर एसेंट ऑफ सैप हो रहा था हमारा, वो स्टेनिंग रिएक्शन, ब्लॉकेज रिएक्शन एंड गार्डल रिएक्शन, वो एक्सपेरिमेंट्स वहां तक। कलर भी पूरा रेड अगले हफ्ते हमारी एक क्लास वेट लिस्ट होने वाली है वीकेंड में, सैटरडे। आई थिंक 12 से। आपकी क्लास फिजिक्स का कब से होता है? 3:30 से। बीच में कितनी देर का गए थे? 3:30 से होगा क्लास, उसके पहले नहीं। आप लोग 12 12:30 तक आ जाइए, 12 बजे तक वैसे आना, 10-5 मिनट तुम वैसे ही लेट कर लेते हो, ठीक है? तो मुझे भी गैप मिल जाएगा क्योंकि मेरा 12 बजे क्लास छूटेगा, तो 10 मिनट का गैप तो किससे है। हम टारगेट करेंगे कि इको सिस्टम पूरे फिनिश कर लें अगर 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है? क्योंकि ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी से जिनको रीड करना है उससे वो हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, बाकी चलता रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है, इसको खत्म करने में हालत खराब हो जाती है। तो इसके बाद तो फिर खैर मतलब मुझे उतना नहीं लगता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन अपना सेपरेट हो जाता है, ह्यूमन अपना सेपरेट हो जाता है। तो प्लांट खत्म होता है तो तसल्ली मिलती है, खत्म हो गया प्लांट, फिर ह्यूमन आ जाता है, ह्यूमन भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। हालांकि कोई भी चैप्टर वैसे सब छोटा तो नहीं है, तो नोट्स बड़े सही दिख रहे हैं। अरे इधर पलटो, मैं कुछ देख रहा हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी तो देख लो, कहाँ रहते हैं? ये क्या लिख रखा है? मच्छी का स्थान है, मच्छी का भी नहीं वो बोल सकता हूँ। रूट पंप थ्योरी लिख रखा है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चे एसेंट ऑफ सैप, ठीक है? अब एसेंट ऑफ सैप में क्या है, पहले भी मैंने बता रखा है आपको कि जो जाइलम सैप का अपवर्ड मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम सैप में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो मैं लिखा चुका हूँ कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। वाटर मिलेगा आपको, मिनरल मिलेगा आपको,
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिलेगा, जो एनसीईआरटी हॉर्मोन्स लिख रही है, मिलेगा। और हार्मोन जो एनसीईआरटी लिख रही है वो मैंने दिखाया है। ठीक है, इसको तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो वाटर मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑर्गेनिक में कवर हो जाएंगे, तो ये चीज। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप में फिर मैंने बताया कि आपको दो चीजें एसेंट ऑफ सैप में पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? एक आपको देखना है कि जो पाथ है वो कौन सा है। ठीक है, पाथ कौन सा फॉलो करता है वाटर मूवमेंट या मिनरल या पाथ, पाथ ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या दिए, तीन, यही किया ना? हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि भांग खा रखे हो तो स्लो रिस्पॉन्स में। कभी टेस्ट किया कि नहीं? नहीं, किसी ने तो की होगा जो शिवरात्रि के स्पेशली वो है, शिव भक्त है जो, उन्होंने तो जरूरी टेस्ट की होगी। तो उसमें क्या होता है ना, जो मैंने भी सुना, मैंने भी टेस्ट नहीं किया कभी तक। ठीक है, तो स्लो रिस्पॉन्स हो जाता है। वैसे अभी आगे वाला जो चैप्टर आएगा कब, कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो उसमें तुमको उसका रिस्पॉन्स समझ में आएगा कि वो इस रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, तो आपको हर चीज बिल्कुल क्या बोलते हैं, फिल्मी नजर आती। ठीक है, तो वैसा कुछ है। तो वही जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है, पता नहीं, एक मतलब उधर रोमांटिक वो चल रहा था, उसके बीच में तुमको मैंने खलल डाल दी थी, तो अब जाके तुमने बोला वो। हाँ, तो ये बेसिकली थ्री एक्सपेरिमेंट है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे? कौन से एक्सपेरिमेंट सर? गार्डल एक्सपेरिमेंट, ये स्टेनिंग गार्डन एंड एक्सपेरिमेंट ब्लॉकेज। कौन सा है? मैं बड़ी देर से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सर गार्डन नहीं, मैं ना गार्डल। आत्महत्या कर लूंगा। ये तुमको गार्डनिंग कहां से समझ में आ रहा है? सर गार्डन नहीं, गार्डल, एल। भगवान ही मालिक है। गार्डल 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 मुझे सुनाई दे रहा था, गार्डन एक्सपेरिमेंट। मैं भूल गया कि मुझे ना इसको मैं पढ़ता हूँ गार्डल। ठीक है, अब तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं। मैं भूल गया कि ये गार्डन एक्सपेरिमेंट मैंने कब पढ़ा दिया भाई। ये ऐसा क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा दिया और मुझे पता नहीं है। तो ये गर्डल एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद फिर मैंने बताया दूसरा स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट, और तीसरा मैंने बोला ब्लॉकेज, ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जिससे ये पता चल गया, आज की डेट पे तो रेडियो एक्टिव जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक है उससे तो पता ही है कि जो है ट्रांसफर किससे होता है। ठीक है, तो इससे एविडेंस क्या मिला कि जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम सैप का, या जाइलम सैप उस समय नहीं जानते थे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल ऑर्गेनिक, ये सब का जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके थ्रू हो रहा है जाइलम। और एक चीज पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है बच्चे वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप क्या होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म में मैंने बताया कि कई सारी थ्योरीज आई। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज आई, जिसमें से एक थी वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरी थी रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरी है आपकी फिजिकल। ठीक है, वाइटल फोर्स एंड फिजिकल फोर्स। कई बार रूट प्रेशर को भी आप फिजिकल फोर्सेस पे रख सकते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द टीचर। ठीक है, वो किसको किस तरह से रख के पढ़ाता है, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट रखने की वजह ये भी है कि मैं रूट प्रेशर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बता चुका हूँ। वाइटल फोर्स में एक ही चीज जो वैसे पूछने के, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई डिटेल दिया नहीं है वाइटल फोर्स थ्योरी का, बस एक ही चीज जो थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी है कि एक साइंटिस्ट थे अपने यहाँ के, जेसी बोस। ठीक है, इन्होंने जो है एक प्लांट पे काम किया जिसका नाम था डेस्मोडियम गायरेंस।
ठीक है। और एक्चुअली इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो है इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक वो लिया वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर के एक नॉब जो है कॉर्टेक्स सेल में, मतलब सपोज कर लो ये प्लांट है तो एक नॉब कॉर्टेक्स सेल में रखी और एक नॉब कहाँ पे रखी, लीफ में। देखा कि जो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे निडल था उसका वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, निडल क्या था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिविंग सेल के अंदर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं जिनको क्या बोला, वाइटल फोर्सेस, ठीक है। और वो वाइटल फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, असेंट ऑफ सैप के लिए। सुबह हो गई, ये एसेंट ऑफ सैप के लिए बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो ये एनसीईआरटी में कोई डिटेल नहीं दिया है, तो आप इसको जो है क्या कहते हैं, अगर ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। ये दूसरा रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर के लिए मैंने क्या बताया है आपको कि ये सपोज कर लो प्लांट है, ठीक है, ये उसका रूट है, ठीक है, रूट हेयर है, बेसिकली रूट का पार्ट है। तो यहाँ से पहले यहाँ पे ऑस्मोटिक एक्टिविटी से खूब सारा जो है क्या जो है इकट्ठा हो गया वाटर। अब देखना एक चीज, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखी है, बीच में एनसीईआरटी जाके पढ़ा करो, क्या लिखा हुआ है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं, अभी एसेंट ऑफ सैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ऑलवेज कौन सी, मतलब मोस्टली कौन सी प्रोसेस है, पैसिव, पैसिव प्रोसेस। और ये पैसिव प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनको स्पेशल ट्रांसपोर्ट चैनल से एक्टिवली अंदर लाया गया, रूट हेयर की जो है जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वहां पे लाया गया एक्टिवली। ज्यादातर जो मिनरल का जो अपटेक है, अपटेक बोल लो बेटा, चाहे इसको क्या बोल लो, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपटेक बोल लो या एब्जॉर्प्शन बोल लो, ज्यादातर मिनरल बेसिकली एक्टिव प्रोसेस से जाते हैं अंदर। तो एक्टिव प्रोसेस से जाना है, दैट मीन्स कि इनके लिए कोई ना कोई यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स एक्टिवली जो है रूट हेयर सेल पे मिनरल्स को क्या कर देंगे, अपटेक करवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हो गई है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, जब यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। बाहर के बाहर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल के अंदर क्या भरा हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वाटर ज्यादा है, तो यहाँ से अपने आप वाटर अंदर जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अब अगर कल के तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का बाय रूट हेयर्स वो किसकी वजह से हो रहा है, तो दो तीन टाइप के आंसर बन सकते हैं। एक हो सकता है आप ये बोल दो कि इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डीपीडी, डिफ्यूज्ड प्रेशर डेफिसिट, सॉरी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसकी वजह से हो सकता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किधर की तरफ ज्यादा होगा, अंदर की तरफ, और वाटर का मूवमेंट कैसे कैसे होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के रिस्पेक्ट में, लो टू हाई। तो एक चीज तो आपसे ये बोल, इस टर्म पे बोल सकता है, दूसरा आपसे बोल सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में, ठीक है, तो किधर से किधर मूवमेंट होगा, लो टू हाई। तीसरा आपको बोल सकता है किसके टर्म में, साई डब्ल्यू के टर्म पे, साई डब्ल्यू बाहर ज्यादा होगा अंदर की तरफ कम होगा, तो हाई साई डब्ल्यू से लो साई डब्ल्यू, तो ये तीन टर्म में बोल सकता है आपसे, ठीक है। और एक चीज तो मैंने आपको बता ही रखी है, ऑस्मोटिकली एक्टिव जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, इतनी बात समझ में आ गया। यहां से जब वाटर जो है अंदर कंटिन्यूअसली जाएगा तो जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो हो जाएंगी टर्जिट, उनमें बहुत ज्यादा वाटर आ जाएगा, टर्जिट से वो क्या बढ़ाएंगी, सेप बढ़ाएंगी, ठीक है, तो वो एक प्रेशर डेवलप करेंगे जो कि कैसा प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा। और वो पॉजिटिव प्रेशर जो यहाँ पे जाइलम बीच में है उसको क्या कर देगा, जैसे जैसे आप ना इस तरह की एक पाइप लगा रखे हो, इधर से आप ना पानी जबरदस्ती, मतलब क्या कहते हैं, फोर्सफुली डालोगे, तो पानी यहाँ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, जाहिर सी बात चढ़ेगा, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला स्पेशली, जो ये जो रूट प्रेशर थ्योरी थी ये दी थी किसने, प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले ने ये थ्योरी दी थी, तो उन्होंने यही बोला
कि जो कार्टिकल सेल की टर्जिडिटी है या जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है उसकी वजह से पार्टिकल सेल्स का जो है वाटर इंटेक बढ़ता है, तो वो बेसिकली एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर पुट करता है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है। फिर ये देखा गया कि एसेंट ऑफ सैप, सॉरी ये जो रूट प्रेशर है बेसिकली ये 24 आवर्स नहीं होता, ये तो स्पेशली जब ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है और एब्जॉर्प्शन की, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तभी होता है। ये पॉसिबल नहीं है, एक रीजन फेल होने का। दूसरा रीजन था ऊडी प्लांट जो होते हैं जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हुई होती है वहां पे रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता है, अब कैसे करोगे। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा रूट प्रेशर कितना होता है, एटीएम मिल गया था यहाँ पर, मैंने कैपिटल में लिख दिया था, वो कुछ और डिनोट करता है, ठीक है। ये 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब है ये मैक्सिमम एक आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर 10 मीटर करीब करीब पानी को अप करा सकता है, तो 20 मीटर। और बहुत कुछ प्लांट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वहां पे कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ पानी का। तो इस वजह से रूट प्रेशर थ्योरी बिल्कुल आई चली गई, ठीक है। तो मतलब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक मिल गए। वाइटल फोर्स थ्योरी पहले ही रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद आई आपकी फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी में कई सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कैपिलरी थ्योरी आई। कैपिलरी थ्योरी बोलती है कि जो जाइलम्स के वो वेसल्स एंड ट्रैकीट्स हैं वो बहुत, उनका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, तो उनमें कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन से क्या हो जाता है, पानी चढ़ जाता है। पर उसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन थे, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन बोल रहा हूँ कि उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो वो भी फिर रिजेक्ट कर दी गई। फिर लास्ट में एक थ्योरी आई, कौन सी, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। तो बस पीछे ट्रांसपिरेशन चलते हैं पूल, बच्चे, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी से मुझे जितना बताना था आपको बता दिया मैंने। रूट प्रेशर मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, रूट प्रेशर थ्योरी को, तो वही है, उसमें कुछ और है ही नहीं। रूट प्रेशर थ्योरी से या रूट प्रेशर से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है, एक गटेशन का कॉन्सेप्ट है, दूसरा एक्सुडेशन का कॉन्सेप्ट है। दोनों इंडिकेटिव है, गटेशन एंड एक्सुडेशन बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ रूट प्रेशर। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है। गटेशन क्या है, अगर लीफ की मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट निकले तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, गटेशन कहलाएगा। एक्सुडेशन क्या है, गटेशन। फास्ट फ्लोइंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम द इंजर्ड और कट पार्ट ऑफ द प्लांट, वो क्या कहलाएगा, एक्सुडेशन कहलाएगा। तो ये डन। चलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर, जहां पे फिजिकल फोर्स थ्योरी है उसी के नीचे लिखो क्या, तो इसको इसको डायरेक्ट आप ट्रांसपायरेशन फुल थ्योरी भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई मतलब दिक्कत नहीं। ट्रांसपायरेशन फुल थ्योरी बोल दो या ट्रांसपायरेशन कोहेशन एडिशन फुल थ्योरी बोल दो, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बताओ तो क्या करोगे, ये बताओ कि दो टाइप के पाथवे होते हैं, कौन कौन से पाथवे, एपोप्लास्टिक है, तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा पाथ फॉलो होता है वाटर उसमें ट्रांसपोर्ट में, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। एपोप्लास्टिक या सिम प्लास्टिक, सिम प्लास्टिक फॉलो होता है। अच्छा, तो सिम प्लास्टिक जो है क्या कहते हैं, सिम प्लास्टिक फॉलो होता है, सिर्फ सिम प्लास्टिक फॉलो होता है। मैंने क्या लिखा है ये बताओ,
क्या लिखा है, पढ़ा नहीं था क्या? क्यों? इस वजह से पेपर था? मैं कह रहा हूँ हो सकता है क्वेश्चन ना समझ पाया। मैंने बोला था कि दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, दो टाइप के, कौन से? एक होता है हिपोप्लास्टिक और दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा पाथ फॉलो होता है वाटर के अपटेक में, या पूरा पूरा जो ट्रांसपोर्ट, पूरे ट्रांसपोर्ट सिर्फ हिपोप्लास्टिक फॉलो होता है? सर बोथ, सर दोनों होता है। ऑनेस्टली बताना, एनसीईआरटी कितने बच्चे ने पढ़ा है? नहीं बच्चे, अगर आप रूट हेयर से ले लो सवाल, या तो सवाल से ले लो, सवाल से आप रूट हेयर, कॉर्टेक्स तक, एपिफ्रेमा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के पहले तक आपके दोनों फॉलो हो सकते हैं, पर मोस्टली कौन होगा? एपोप्लास्ट। इसके बाद सिम प्लास्टिक में हर हाल में सिर्फ यही पाथ होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन की वजह से सिम प्लास्टिक पाथवे फॉलो होता है। और फिर इसके बाद क्या होगा? फिर से वही कहानी, एपोप्लास्टिक का एपोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो जब जाइलम वेसल्स पे जाएगा, मतलब एक मूवमेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट कौन सा हो गया? वर्टिकल। ठीक है, जिसको आप एसेंट ऑफ सैप बोल रहे हो। तो यहां से यहां तक, यहां पे सपोज कर लो कौन सी सेल है? पैसिव सेल, एंडोडर्मिस वाले, समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक आपका जो है एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक दोनों हो सकता है, पर ऑलवेज मोस्टली कौन सा होता है? एपोप्लास्टिक। इस पे आके कहानी चेंज हो जाती है, इस पे आके होता है सिम्प्लास्टिक। ये बेसिकली जो ये है एंडोडर्मिस, ध्यान दो मेरी बात को, ये जो एंडोडर्मिस है वाटर को तो जाने देगी, वाटर को जाने देगी, पर साथ साथ में वाटर के क्या चल रहा है? मिनरल भी चल रहा है। तो ये मिनरल को ऐसे जाने नहीं देती, क्यों? क्योंकि पैसिव सेल कैसी है, डेड है या लिविंग है? लिविंग सेल है। लिविंग सेल, ठीक है, तो लिविंग सेल के अंदर अपना सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन आयंस को जाने देगा, इसका मतलब उसके लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट। और अगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है तो उसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि मिनरल के ट्रांसपोर्ट का ये एक क्या है? रेगुलेटरी पॉइंट है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि मिनरल के ट्रांसपोर्ट में जो एंडोडर्मिस है वो एक रेगुलेटरी पॉइंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा, क्या करेगा, कि कौन सा मिनरल जाना चाहिए, कौन सा मिनरल नहीं जाना चाहिए, और किस रेट से जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी अंदर चला जाए। जैसे आप सपोज कर लो प्लांट ग्रो कर रहा है जहां पे, वहां पे ढेर सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है, या अगर आप मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 105 लिख रहा है, जो कि आजकल शायद 114 115 हो गए, जो भी है, तो उसमें से 60 एलिमेंट्स आपको सिर्फ पाए गए। ठीक है, और 60 में जो एसेंशियल है वो तो हटा लो, सिर्फ यही पाए गए, बाकी के नहीं पाए गए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंट्रोल पॉइंट प्लांट के पास प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बता रहा था। और इसके बाद फिर वो पेरी साइकिल वाले रीजन में कोई भी फॉलो कर सकता है, और ये जो जाइलम है ये कंप्लीटली क्या है बच्चे? एपोप्लास्टिक, क्योंकि जो मेजर ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? जाइलम के कौन से कंपोनेंट के थ्रू? वेसल्स के थ्रू सर। और ट्रैकीड एंड वेसल्स कैसे हैं? डेड है वो। ठीक है, वो डेड है, तो उसमें साइटोप्लाज्म वाली जैसी चीज तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और ये एक चीज सोचने वाली है कि वहां पे जाइलम पेरेन्काइमा भी पाया जाता है, और जो रेडियल कंडक्शन है वाटर का वो किसके थ्रू होता है? जाइलम पेरेन्काइमा। वो वाला जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? सिम्प्लास्ट, क्योंकि वो तो जिंदा है ना। चलो वापस से आते हैं, ट्रांसपायरेशन कोहेसन एडिशन, बच्चे इसके नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे हो सकता है एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हो कोहेसन एडिशन ट्रांसपायरेशनल पुल थियरी, वैसे भी है। ठीक है,
तो अगर एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है शायद ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी कर दो आप, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी बच्चे किसने दी, गिवन बाय जॉली की स्पेलिंग ये बच्चे, ये आई थिंक 19 तो ठीक है ईयर जो भी है देख लेना आपने मुझे याद है। तो डिक्सन एंड जॉली ने दी थी ट्रांसपायरेशनल पूल थ्योरी, और ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी का पहले आराम से कॉन्सेप्ट समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप समझ लो कि कैसे होता है, लिखाने का बहुत ज्यादा हाई नहीं है, दो तीन चार पॉइंट टोटल लिखाने हैं ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी में, जिसमें से एक ये है कि ये डिक्सन एंड जॉली ने दी थी, ईयर अपने एनसीईआरटी से देख लेना अगर दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो, ये मैं एक आपके लिए बना रहा हूं प्लांट, ठीक है। प्लांट में है ये आपका, और रूट से निकला है बच्चे क्या, देखो मैं थोड़ा सा चौड़ा बना रहा हूँ, तो ये मत पूछ लेना कि रूट से रूट है वो हो गया, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसलिए बना रहा हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये है रूट, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे कहीं प्लांट की क्या है लीफ, यहाँ पे प्लांट का लीफ, ठीक है। बाकी वेन्स वेनलेट्स सारी चीजें उसकी अपनी अपने जगह पे, मैं ये बता देता हूं कि सपोज कर लो यहाँ पे क्या है स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा। अब आपको पता है कि आपने एनाटॉमी पढ़ रखी है कि जहां स्टोमेटा है इसके ऊपर एक कैविटी हो, जिसको आप क्या बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी में अगर देखोगे, अब अगर सेक्शन जैसे भी काट रहे हो, अगर डॉर्सल साइड पे देखोगे और ये डाइकॉट रूट है, हम तो डाइकॉट रूट ही बनाए हुए हैं अभी, तो अगर ये डाइकॉट रूट है तो ऊपर वाली सेल्स कौन सी दिखेंगी आपको, पैलिसेट, और नीचे की सेल कौन सी दिखेंगी, ओके। ज्यादातर स्टोमेटा किधर की तरफ पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस की तरफ, इतने में कोई डाउट, मतलब ट्रांसपायरेशन ज्यादा कहां से होगा डाइकॉट रूट में, वेंट्रल सरफेस की तरफ, मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा प्रेजेंट ही है, इतनी बात क्लियर, ओके। इस पिक्चर में मैं आपको बता देता हूं कि सपोज कर लो यहां पे ये कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, मीजोफिल सेल्स, कौन सी मीजोफिल सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी, ये हैं आपकी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी, आप या स्पॉन्जी ना भी लिखो, सीधे सीधे लिख दो मीजोफिल, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पॉन्जी वगैरह यहां कुछ लिखा नहीं है, ना ही इसकी जरूरत है, ये कौन सी है मीजोफिल सेल्स, ये है स्टोमेटा, और स्टोमेटा के ऊपर ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, सब स्टोमेटल कैविटी। बच्चे ग्रीन दिख रहा है, मैं ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ सर, अच्छे से नहीं दिख रहा है सर, तो तुम्हारी जिंदगी में वैसे जो है स्यापे पड़े हुए सब स्टोमेटल कैविटी, ये सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि वाटर यहां से जा रहा है, कॉलम बना लेते हैं पूरा वाटर कॉलम, फिर बाद में वाटर कॉलम को मैं समझाता हूं, पर जो मूवमेंट है वाटर का वो देख लो आप, कौन सा ले बच्चे, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करना, रेड में साथ दिखे ना दिखे, रेड नहीं यूज करूंगा, ब्लू यूज कर लेता हूँ, चलो ये तो दिखेगा ही। यहां से ऑलरेडी यहाँ पे खूब सारा वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो रूट हेयर ही है, और ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, यहाँ पे वाटर कॉलम, वाटर कॉलम, तो अभी थोड़ी देर के लिए समझो कि ये जो है ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के बच्चे चारों तरफ क्या भरा हुआ है,
थिन फिल्म ऑफ, अरे इसमें तो कॉमन सेंस है, क्या भरा हुआ है चारों तरफ, थिन फिल्म ऑफ वाटर। भाई जो इंटरसेलर स्पेस है वहां पे क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है, वाटर। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है मतलब कि जो मीजोफिल सेल है इनमें खूब सारा वाटर, मतलब कि ये किस कंडीशन पे होंगे बच्चे, टर्जिट कंडीशन पे। भाई वाटर चारों तरफ भरा, एक सेल बना ली हमने यहाँ पे और इसके चारों तरफ खूब वाटर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, वाटर आएगा अंदर, ये सेल टर्जिट हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर टर्जिडिटी की बात करोगे तो यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर है, एक कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हाई साई डब्ल्यू, यहाँ पे साई डब्ल्यू भी हाई। सब स्टोमेटल कैविटी की अगर आप बात करोगे तो सब स्टोमेटल कैविटी में अभी कुछ नहीं है, या ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इसकी मीजोफिल सेल के कंपेयर में इस जगह पे सब स्टोमेटल कैविटी में साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, लेस होगा। काम हो जाएगा। साई डब्ल्यू क्या होगा, लेस होगा। साथ में आपका ये स्टोमेटा इस समय क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, मतलब हीट आ रही है, तो हीट की वजह से ट्रांसपायर जो है क्या कहते हैं, कुछ वाटर ऑलरेडी क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है, या आप बोलो कि जो एनवायरमेंट है एनवायरमेंट में अंदर के कंपेयर में वाटर क्या कम है, जाहिर सी बात कम है वहां पे। तो क्या होगा कि जो हाई साई डब्ल्यू है, हाई साई डब्ल्यू, वहां से लेस साई डब्ल्यू की तरफ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर क्योंकि हीट मूवमेंट प्रेजेंट है, तो जो वाटर लॉस होगा, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, पहले वेपर में। आप नॉर्मल जगह पे पानी को रख दो ग्लास में, क्या होगा, वेपराइज होकर धीरे धीरे करके उड़ता जाएगा। किसकी वजह से उड़ रहा है, जो हीट मौजूद है सनलाइट में उसकी वजह से। तो सेम चीज वहां पे भी हो रही है, ठीक है। ये जो है क्योंकि चूंकि बाहर का जो एटमोसफियर है वहां पे साई डब्ल्यू कम है, ठीक है, अंदर ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे करके इवेपोरेशन के थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू, बेसिकली वाटर वेपर के थ्रू वो बाहर बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो जब ये इसकी जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है ये कम होगी, थिन फिल्म वाटर ऑफ क्या होगा, कम होगा, तो ये कहाँ से खींचेगा, ये जो बेसिकली इसकी वेन एंड विनलेट्स में वाटर कॉलम मौजूद है वहां से क्या करने लगेगा, स्टार्ट कर देगा, ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी साई डब्ल्यू क्या हो गया, कम हुआ है, और यहाँ पे साई डब्ल्यू क्या है, ज्यादा, तो वो वहां से लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया उसने, खींचना स्टार्ट कर दिया अपनी तरफ, ठीक है। तो एक जो जो फोर्स डेवलप हुआ, कौन सा फोर्स डेवलप हुआ बच्चे, और वो किसकी वजह से डेवलप हुआ, तो उसको ट्रांसपिरेशन क्या के बोल लिए। दिया तुमने, ट्रांसपायरेशनल पुल बोल दिया। आपके एनसीईआरटी ने दो फोर्सेस के बारे में बात की है, अगर ढंग से पढ़ोगे, एक पुश फोर्स है, दूसरा पुल फोर्स। पुश फोर्स उतना सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप किस पे बात कर रहे हैं, पुल फोर्स पे। पुल फोर्स कैसे डेवलप हुआ, ट्रांसपायरेशन की वजह से डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये क्या है कि इस वाटर कॉलम को इसने खींचना स्टार्ट कर, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल का काम क्या है, वाटर कॉलम को खींचना, पुल करना, किसको, वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे पानी है, यहाँ से खींचा जा रहा है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ का पानी खत्म होगा, तो वो पीछे वाले पानी को खींचेगा, ठीक है। मतलब वाटर कॉलम, अब बात करते हैं वाटर कॉलम डेवलप कैसे हुआ, ये तो हुआ कि ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वाटर कॉलम को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, वाटर कॉलम को ट्रांसपायरेशनल पुल क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब आया बात कि वाटर कॉलम डेवलप कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ वाटर कॉलम, ये भी तो एक चीज थी ना कि आप वाटर कॉलम की बात कर रहे हो, ये बताओ कि भैया वाटर कॉलम डेवलप कैसे हुआ, ये तुमने कैसे मान लिया कि इस तरह से कुछ कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बोला, डिक्सन एंड जॉली ने, कि यहाँ पे कई तरह के और भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से एक फोर्स बच्चे कौन सा है, कोहिशन, दूसरा फोर्स है एडहिशन, और तीसरा एक और फोर्स है बच्चे टेंशन। स्पेलिंग सही है सर, पर टेंशन की, टेंशन किस चीज की, ठीक है, तीन फोर्स। अब देखो तुमको पहले से ही पता है कि कोहेसन जो फोर्स है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल या सेम टाइप की चीजें के बीच लगता है,
तो वाटर के ड्रॉप्स के बीच में या वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा फोर्स। ये याद कोहेसिव रखना कि फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहाँ पे लगा, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच। एक चीज एडहेशन फोर्स है जो दो डिफरेंट चीजों के बीच में लगता है। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है जाइलम वेसल्स के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम वेसल्स। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा बाहर कर लूं, ये मान लूं कि ये आपकी क्या है, जाइलम वेसल, तो वाटर का मूवमेंट है। तो ये जो वॉल है जाइलम की, ये किसकी बनी हुई, जाइलम वेसल्स की जो वॉल, ये वही पेक्टिन सेलुलोजिक मटेरियल की बनी हुई। ये सब्सटेंस कैसे होते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस। तो इन कोलाइडल सब्सटेंस और वाटर के बीच में क्या हुआ, एडहेशन हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फोर्स लगा है जो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। यहाँ पे वाटर एंड जाइलम वेसल्स की जो वॉल है उनके बीच में फोर्स है, यहाँ पे सेम टाइप की वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है। तो जो कोहेसन फोर्स है, कोहेसन फोर्स क्या करता है, ये डेवलप करता है किसको, वाटर कॉलम को। या आप इस तरह से डेवलप, दिक्कत समझ में आती है तो इसको लिख दो फॉर्मेशन। वाटर कॉलम का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेगा बच्चे, कोहेसिव फोर्स। ओके, मेंटेनेंस का काम कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा वाटर कॉलम। ठीक है, एडहेशन मेंटेन वाटर कॉलम, एडहेसिव। और जो इसके बाद जो है, जो बची बची कुची कसर है वो कौन प्रोवाइड करा देता है, सरफेस सरफेस। टेंशन। ठीक है, सरफेस वो और स्ट्रॉन्ग करता है। जो वाटर कॉलम जो है उसको और क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो क्या बोलोगे, मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करेगा सरफेस वाटर कॉलम। ये बात समझ में आ गई, ये थ्री फोर्सेज हैं किसको छोड़ के, ट्रांसपायरेशन पुल को छोड़, जो किस चीज में सिर्फ लगे हुए हैं, इस वाटर कॉलम को मेंटेन करने में, या वाटर कॉलम को बनाने, मेंटेन करने और उसको मजबूती देने में लगे। ठीक है, तो इनकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से, डिक्सन एंड जॉली ने बोला कि इन फोर्सेस की वजह से वाटर कॉलम का डेवलपमेंट हुआ। और चूंकि ट्रांसपायरेशन ऑलवेज मौजूद है डे टाइम में, जब भी सनलाइट अवेलेबल है, तो उस ट्रांसपायरेशन की वजह से उसको एक पुल, मतलब तो उसको एक खींचने वाला मिल गया, एक मशीन मिल गई, एक एनर्जी जो है बेसिकली सनलाइट की एनर्जी का यूज कर लिया, तो उसको उसको बाय एनर्जी क्या कर रहे हो आप, खींच रहे हो। तो ये पूरी थ्योरी थी डिक्सन एंड जॉली की। डिक्सन एंड जॉली ने किस तरह से बेसिकली अपनी थ्योरी को प्रूव किया, मतलब अपनी थ्योरी का जो लॉजिक दिया कि इस तरह से चीजें क्या हो रही होंगी, हो रही होंगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो लीफ की मेसोफिल सेल्स है उनके चारों तरफ थिन वाटर फिल्म प्रेजेंट है। जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर इवेपरेट करता है। ठीक है, तो वाटर जब एनवायरमेंट में कम होगा और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे बेसिकली सनलाइट की वजह से यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में, सब स्टोमेटल कैविटी में जो वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चे, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो वाटर वेपर यहाँ पे आ रही है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से, यहाँ चूंकि वाटर वेपर थी, वो जब ये स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो यहाँ पे कम होगा। यहाँ की कमी कहाँ से पूरी करी जाएगी, जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है वहां से पूरी करी जाएगी। जब वहां कम हो जाएगा तो वो वेन्स में जो जाइलम एंड वेसल्स है, जाइलम की वेसल्स है वहां से लेना स्टार्ट कर देगा, तो फुल फोर्स डेवलप हो जाएगा। जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लीफ से, और कहाँ तक ट्रेवल करेगा, वो रूट हेयर तक। ठीक है, वाटर कॉल, बात समझ में आ गई, इतनी सी थ्योरी है। यही फोर्सेज है, बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए, सॉरी वाटर कॉलम को बनाने के लिए। ठीक है, कोहेसन, एडिशन या सरफेस टेंशन। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो ट्रांसपायरेशनल पुल थियरी है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने दिया कोहेसन एडिशन को साथ में दे दिया था, सरफेस टेंशन एक ऑप्शन दिया था, तीसरा ऑप्शन ट्रांसपायरेशनल पुल था, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द सारे ऑप्शन से। ठीक है, तो इस तरह से इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये वाला पार्ट मैं पहले इरेज करूंगा, इधर वाला।
बात साथ समझ में आ गई है या नहीं आई, अभी भी कोई डाउट है? ये वाला पिक्चर बनाओ पहले। याद ये भी लिख देना बच्चे ऊपर वाली लाइन में कि दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, किस चीज के लिए? टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया, एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी कौन सी है? तो ट्रांसपायरेशन पुल थियरी दे सकता है, या कोई क्वेश्चन एडिशन ट्रांसपायरेशन पुल थियरी, जो आप समझ रहे हैं ज्यादा समझदार इंसान है। हो गया बच्चे, थोड़ा सा मुझे पूरा एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन कर दिया, पूरा लिखाना पड़ेगा कि ना लिखाऊं ना लिखाऊं, कॉन्फिडेंस ना अपने ऊपर। प्लांट्स रिक्वायर वाटर का, तो आपको इतना तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो मेजरली कहाँ पे होती है? मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की जरूरत है वो कहाँ पे है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वाटर रीचेस अप टू द लीफ तक, वाटर कैसे पहुंचता है? तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया कि चाहे लिख दो हाउ वाटर रीचेस अप टू लीव्स,
एज वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इन फिल अराउंड न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल सेल के चारों की तरफ फिल फिल्म के फॉर्म में होता है। Now next is water evaporates. Due to sunlight. And change in जैसे इस तरह से लिखो कि as water अब इतना मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वाटर वेयर फिल्टर किस कौन सा फेज है मटेरियल का गैसेस ठीक है तो वाटर चेंज इन वाटर वेपर ड्यू टू किसकी वजह से बच्चे सनलाइट की वजह से जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस पे और ये जो सब स्ट्रोमेटल कैविटी या आप ये बोलो कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उसमें ये वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाए ठीक है और क्योंकि स्ट्रोमेटा ओपन हुआ है स्टोमेटा ओपन होने की वजह से जो सब स्टोमेटल कैविटी है वहां का जो वाटर वेपर है वो क्या हो गया होगा निकल गया डिफ्यूज कर गया होगा तो वहां पे एक क्या कर क्रिएट हो गया होगा एक वॉइड या आप ये बोल सकते हैं कि स्पेस क्रिएट हो गया ठीक है तो आप ये लिखो यहाँ पे वाटर यहाँ पे लिखो आगे जाके यहाँ पे लिखो इन इंटर सेलुलर स्पेसेस एंड सब स्ट्रोमेटल कैविटी सब स्ट्रोमेटल नाउ वाटर सॉरी वाटर वेपर डिफ्यूजेस ध्यान रखना क्या हो रहा है बच्चे डिफ्यूजन हो रहा है डिफ्यूजेस टू स्टोमेटा ठीक है ये जो यहाँ पे ये जो वाटर वेपर भरा हुआ है ये क्या कर गया डिफ्यूज कर गया कहाँ किससे स्टोमेटा कब बच्चे होगा ये काम ड्यूरिंग सनलाइट या हम इसमें इनडायरेक्टली लिख देते हैं अंडरस्टूड है डे टाइम ठीक है ड्यूरिंग डे और इसी प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो बच्चे ट्रांसपीर यही तो है लॉस ऑफ वाटर वेपर ठीक है या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्या कहलाता है ट्रांसपीरेशन कहलाता है तो आप इसको लिख लो कि यही तो है ट्रांसपीरेशन Loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the leaf. तो चूंकि मैं बात ही यहाँ पे leaves की कर रहा हूँ तो मुझे बार बार यहाँ लिखाने की जरूरत है सीधी से इंडिकेट कर रहा है कि वाटर वेपर डिफ्यूज कर रहा है तो स्टोमेटा ठीक है ड्यूरिंग डे टाइम या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ठीक है ट्रांसपिरेशन कर रहा है अब ट्रांसपिरेशन ये बेसिकली जो है यहाँ से जब क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट कर गया तो वाटर इवेपोरेट करने की वजह से जो मीजो फिल सेल की है उनकी कंडीशन
विद रिस्पेक्ट टू जो भी तुम वाटर रिलेशन के टर्म्स तुमको पता है उसके रिस्पेक्ट। चलो अभी मैं इसमें एक टर्म यूज करता हूँ जैसे डीपीडी, ज्यादा अच्छा टर्म लगता है, ठीक है। आप साई डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, डीपीडी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे वाटर कम हो गया है, ठीक है। तो वाटर अगर थिन फिल्म का कम हुआ है, मान लो कि ये मैं बोल दूं कि ये आपकी क्या है मेसोफिल फिल्म, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट था, वाटर। यहां से अगर वाटर लॉस हुआ, दैट मींस कि कुछ वाटर क्या हुआ होगा, सेल के अंदर से बाहर निकला होगा। तो सेल के अंदर बच्चे क्या हुआ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो डीपीडी का क्या स्टेटस हो जाएगा बच्चे, डीपीडी हाई हो जाएगा। तो मीजोफिल सेल्स में क्या हुआ, तो आप यहाँ पे लिखो ड्यू टू दिस या ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन डीपीडी ऑफ मीजोफिल सेल क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज होगा। ये तो लिखा ना अभी, मीजोफिल सेल इंक्रीज, डीपीडी जो मीजोफिल सेल का है इंक्रीज हो गया। And it starts, yes, mesophyll cells start drying water from the veins. देखो ये बच्चे, मैं ये वाला ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे कि mesophyll cells start the water from draw thing hata lo yahan se start draw water from wo drawing wo kuch aur actually wala lag gaya drawing water from vein from water column ko to ya vein ya vein will put ye और ये ट्रेवल कर जाएगा पूरा, ये क्या कर जाएगा, ये ट्रेवल कर जाएगा। ऐसे तो लिखाने की जरूरत थी नहीं होती है। Soon it is spread. All the parts of the plant. Parts of plant. And pressure gradient develop. Pressure gradient develop. Which cool the water, ठीक है, तो water column दिखा दे रहा हूँ, पर column लिखा नहीं थे, water got present in, कहाँ पे present है बच्चे, xylem, xylem लिख दे रहा हूँ, ठीक है, present in xylem, और इसी को तुम क्या बोलते हो बच्चे, transpiration है?
दिख रहा है नीचे, हट जाऊं अब, किसको नहीं दिख रहा अब तुम्हें? यार ये बात गलत है, कुछ नहीं लिखा। सून इट स्प्रेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड अ प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप, जब हर जगह पे ये डीपीडी का जो वो है खिंचाव है वो डेवलप, वो फैल जाएगा, तो ओवरऑल एक आप ये बोल सकते हो कि एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा विद से। कहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे लीफ की जो मेसोफिल सेल्स हैं और जहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है। सत्ता ये स्टोरी बनाना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। इतनी देर में कोई और सब्जेक्ट होता तो मुझे लगता है आधा चैप्टर खत्म हो गया होता। हो गया होता कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैं लिखा तो दूंगा ही, फोटोसिंथेसिस में जितना भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, अपटेक होता है, उसका कितना पार्ट फोटोसिंथेसिस में होता है? एनसीईआरटी में कितना लिखा है? Less than 1%, less than 1%। अपनी बातें मत करो, अपनी बातें करोगे तो मैं क्या करूंगा? ये आपका ट्रांसपायरेशन फुल हो गया। अब मैं सीधे लिखाता हूँ आपको, जो ट्रांसपायरेशन फुल के लिए, ये चीज पहले हालांकि बता दिया था, ये जो मैंने अभी लिखाया उसकी स्टोरी ज्यादा डिटेल में मैंने उस समय नहीं बताई थी जब इसको समझाया था। ट्रांसपायरेशन फुल के लिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशनल फुल, फोर्सेस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशनल फुल, लिख दो बच्चे। पहला फोर्स कोहेसन या कोहेसिव फोर्स लिख लो, मैं कोहेसन फेनोमिना लिख रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे किन मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, वो तो याद रखना, ठीक है। ओके, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स लगेगा, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं वाटर ड्रॉप्स के बीच में लगेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोहेसन फोर्स, यहाँ एक चीज लिख दो कि ये जो कोहेसन फोर्स है, दिस इज फोर दिस फोर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए? फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम जो बनाएगा वो आपका बनाएगा कोहेसिव फोर्स। और ये भी याद रखना कि जो चार फोर्सेस लिखा रहा हूं यहाँ पे, कौन कौन से?
कोहेसन की प्रोसेस जो है, दूसरा है एडहेशन की प्रोसेस जहां पे एडहेसिव फोर्स लग रहे हैं, तीसरा है आपका सरफेस टेंशन, और फोर्थ है आपका बच्चे ट्रांसपायरेशन। या पूरा लिख दो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो यहां पे लिख दो कि ये बिटवीन किसके बीच में लगेगा, बिटवीन वाटर वाटर एंड चाइलम, वॉल ऑफ चाइलम। अच्छा, इस ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सॉरी मेंटेन कर रहा है, मेंटेन वाटर कॉलम, मेंटेन वाटर कॉलम। सरफेस टेंशन जो है, अच्छा एक बात बताओ, अपना वो ले लो, क्या पानी ले लो एक बर्तन में, और उसमें उसकी तेल की ड्रॉप डाल दो, ऑयल की ड्रॉप डाल दो, क्या होगा कुछ देर के बाद, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो क्या करेगा, मतलब सरफेस टेंशन वाटर कॉलम में क्या करेगा, कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उनको आपस में क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही है, जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम आएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोहेसन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन तीनों चीज पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो फिर से कि इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। और ट्रांसपायरेशनल टूल तो पता ही है किसके थ्रू होगा बच्चे, जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, ठीक है, ये खींचने का काम करेगा। ये बोल सकते हो कि ट्रांसपायरेशन बेसिकली जो है, ये यहाँ पे मेन एनर्जी यूज हो रही है, जो वाटर खींचने का काम है कौन कर रहा है, ट्रांसपायरेशन कर रहा है, बाकी ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये वाटर कॉलम को संभव मेंटेन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तीनों फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो अपटेक ऑफ वाटर है या एसेंट ऑफ सैप है, जो एसेंट ऑफ क्या है, सैप, द एसेंट ऑफ सैप इज कॉन्स्टिट्यूटिव, इनका इनका चारों फोर्सेस का कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, इफेक्ट है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो इन चारों फोर्सेस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एसेंट ऑफ सैप के लिए जो है इनमें से कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है सेंट ऑफ सैप के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास इसमें नीचे जगह होगी उसके नीचे, तो वहां पे या ऊपर इस तरह से कर लो कि कोहेसन कोहेसन एडहेशन एंड सरफेस टेंशन, क्या हुआ बच्चे, सरफेस टेंशन, ये क्या करेंगे, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तीनों क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे टू वाटर कॉलम। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ को एनसीईआरटी ने डिफाइन भी कर रखा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, क्या लिखा है उन्होंने, एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या डिफाइन कर रखा है, एन एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, या किसी कॉलम को वाटर जो है स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि जो उसके ऊपर खिंचाव लगा हुआ है, सपोज कर लो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एक ये है छत है, यहाँ पे तुम सपोज कर लो खड़े हुए, ठीक हो, यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे यहाँ से तुम एक चीज को क्या कर रहे हो, रस्सी के सहारे खींचना चाह रहे हो,
ठीक है, इसका सपोज कर लो सम वेट, तो अगर ये रस्सी में मजबूती नहीं होगी तो क्या तुम इसको खींच पाओगे? अगर एक लिमिट से ज्यादा इसका वेट बढ़ गया तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो सेम चीज वहां पे, ये जो पर्सन खड़ा है वो क्या है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल है, वहां से लगा रहा है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है? वाटर कॉलम। और वाटर कॉलम के नीचे भी क्या लगा हुआ है? या वाटर कॉलम को अपना मान लो कि अपना वेट है वाटर कॉलम, तो अगर वो वाटर कॉलम का जो वेट है वो वाटर कॉलम की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा निकल गया तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? तो ये टूटे ना, उसके लिए ढेर सारे क्या रिस्पॉन्सिबल है? फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल। उन्हीं को आप क्या बोल रहे हो कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, ठीक है। ये हो गए, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। एक और चीज है हाई कैपिलरिटी। हाई कैपिलरिटी या कैपिलरी फोर्स आल्सो हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। अब मुझे ये बताओ ये कैपिलरिटी किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द थिन डायमीटर ऑफ, बिकॉज ऑफ थिन डायमीटर ऑफ ट्रैकीड एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। अच्छा, एक चीज और कि जो ट्रैकीड्स ऑफ एंड वेसल्स है जाइलम, इनको एक नाम देते हैं क्या? ट्रैकरी एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स को आप इकट्ठे क्या बोलोगे? अगर कैपिलरिटी को भी डिफाइन करना हो तो ये लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एन एबिलिटी टू राइज अप ऊपर, जो पानी का या किसी भी फ्लूइड की स्मॉल डायमीटर वाले जो है क्या कहते हैं ट्यूब से ऊपर जो फ्लूइड की चढ़ने की कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हो? कैपिलरी बोलते हो। ये जो है ये आपके एनसीईआरटी में आपको कई सारे तरह से, या तो इनको सेपरेट दे दे ये कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वाटर वाटर कॉलम की इन केस ऑफ एसेंट ऑफ सैप, उसके लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो कोहेसन, एडहेसन एंड अलग अलग हेडिंग से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अलग अलग हेडिंग से, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कोहेसन, एडहेसन प्लस सर्फेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरऑल बेसिकली प्रोसेस कौन कौन सी हैं, तो वो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ है और कैपिलरिटी है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलरिटी के बाद अगर कोई चीज आता है जो कि ओवरऑल उसको खींचने में रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल बी द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डिक्सन एंड जॉली की जो थ्योरी है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सरफेस एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, वहां से वाटर वेपर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वाटर वेपर के मतलब वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो जिसकी वजह से जो थिन फिल्म प्रेजेंट है मेसोफिल के सेल के चारों तरफ वो उसका भी वो धीरे धीरे करके लॉस करेगी, तो वहां पे उसकी वजह से डीपीडी क्या होगी मेसोफिल सेल की, वो इंक्रीज हो जाएगी। और वो जो डीपीडी है वो अपने नेबरिंग सेल से लेगी, वो अपने नेबरिंग सेल से लेगी, फिर वेन एंड वेनलेट्स में पहुंचेगा, तो मतलब वो डीपीडी बेसिकली क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी और उससे एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा। जिसका प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा फिर जिसका एक मतलब जो आप कंपेयर कराओगे वो कहाँ से कराओगे? जस्ट सबस्टोमेटल कैविटी में से, सबस्टोमेटल कैविटी में मेन प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप है और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट वो जहाँ से पानी को ले रहा है, तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट का जो है ग्रेडियंट आया है, जो प्रेशर डिफरेंस आया है, उसकी वजह से बेसिकली वाटर क्या होगा? कॉलम के फॉर्म में
जो है पुलिंग होगी उसकी, ठीक है। वाटर कॉलम, वाटर जो है कॉलम के फॉर्म में ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, अपटेक होने लगेगा या एसेंट ऑफ सैप होने लगेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है उस एसेंट ऑफ सैप में, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, ये वाले फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वाटर कॉलम के बनाने में। और ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, उस वाटर कॉलम को ऊपर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस इतना ही है बच्चे, आगे चलते हैं। तो मैं जरा सा, अब चूंकि ट्रांसपायरेशन बच्चे हमने यहाँ पे ट्रांसपायरेशनल पुल बता दिया, तो इसका मतलब मैंने तुमको ट्रांसपायरेशन का भी मैकेनिज्म बता दिया है। मैं जस्ट ट्रांसपायरेशन लिखा रहा हूँ थोड़ा सा, कि ट्रांसपायरेशन क्या है। तो अब तक तुमको शायद लिखाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या लिखूं। लॉस ऑफ वाटर, फिर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ये जो ट्रांसपिरेशन है बच्चे, कई टाइप का हो सकता है। मतलब कि जिस लोकेशन से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स में आप इसको कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कितने टाइप का है। एक है जो लीप से हो रहा है, दूसरा लेंटिसल से हो रहा है, तीसरा कितने टाइप का, मुझे ध्यान नहीं है उसे, बताओ। बताने के चक्कर में दूसरा दिमाग से मेरे स्लिप हो जाता है। तो एक बच्चे स्टोमेटा से जो हो रहा है उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जो लीफ से हो रहा है, या आप ये बोल लो कि क्यूटिकल से जो हो रहा है, मतलब जो है लीफ में तो स्टोमेटा भी प्रेजेंट है ना, और लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो जो क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और जो बच्चे लेंटिसल से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। आगे ट्रांसपिरेशन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर। अच्छा, अब इतना बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये स्टोमेटा और क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द सर्फेस ऑफ, ज्यादातर मोस्टली जैसे क्यूटिकल समटाइम्स में आपके स्टोमेटा उसमें स्टेम के चारों तरफ भी, यंग स्टेम के चारों तरफ भी दिखती है, बट अभी हम फिलहाल उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको काउंट कर रहे हैं लीप वाले। तो स्टोमेटा प्लस क्यूटिकल, ये चूंकि लीफ में प्रेजेंट है तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर, ठीक है, लीफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो फोलियर ट्रांसपिरेशन हो गया। ध्यान रखना कि ये थ्रू होगा बच्चे किसके थ्रू, स्टोमेटा, ये किसके थ्रू होगा, थ्रू क्यूटिकल, और ये किसके थ्रू होगा, थ्रू लेंटिसल्स। लेंटिसल्स बच्चे क्या है, लेंस शेप्ड ओपनिंग है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लीफ को छोड़ के हर जगह पे, रूट स्टेम फ्रूट्स, ठीक है। तो ये अच्छा 90% जो बच्चे ट्रांसपिरेशन है, 90% वो किसके थ्रू होता है, 9% के अप्रोक्सीमेटली आपका क्यूटिकल से होता है, और लेस देन 1% आपका किससे होता है, लेंटिसल से होता है, ओके। तो ये याद रखना कि 90 + 9 मिला के 99% किससे होगा, फोलियर ट्रांसपिरेशन। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल। एक साइंटिस्ट थे कर्टिस, हालांकि पूछेगा नहीं बच्चे, इतना डीप में पहले होता था, पहले के एनसीईआरटी में लाइन डेफिनेशन लिखी थी, साइंटिस्ट थे कर्टिस,
या कर्टिस जो भी बोल लो तुम, ठीक है, मैं कर्टिस पढ़ता हूँ उसको। तो उन्होंने बोला कि ट्रांसपायरेशन इज एसेंशियल एविल। एसेंशियल एविल मतलब समझ रहे होगा कि बुराई है पर क्या है, एसेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता, गैसेस एक्सचेंज होता, ठीक है। और पता है तुमको, अच्छा वो स्टेटमेंट तो मैंने लिखा ही नहीं, लिख दो नोट डाल के, नोट डाल के लिख दो क्या, कि वट एवर, वट एवर प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा उसका 90% लॉस हो जाता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। और लेस देन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चे पूछ सकता है, लेस देन 1% किसमें यूज होता है, इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, स्टिल ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी। चलो तो ये ट्रांसपायरेशन का स्टोरी हो गई। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन में एक और चीज जैसे मैंने बताया है वो तो मैकेनिज्म हो ही गई है, तुम थोड़ा सा और देख लो, शायद वो चीज मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं की थी, आप थोड़ा सा देखो या हेडिंग ही डाल लो बच्चे। मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म तो आपको मैंने बता ही दिया है, पर इधर कॉन्सेंट्रेट करो कि हम किस, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन की किसके थ्रू बात करेंगे, थ्रू स्टोमेटा। एस जो ट्रांसपिरेशन बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। ध्यान दो, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। ये स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा में आपको पता है कि ये जो है ये गार्ड सेल्स, गार्ड सेल के चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? अच्छा ध्यान में रखना बच्चे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें सेल्स नहीं होती, ये स्पेशल पायरेन्काइमेटस एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल भी क्या है? एपिडर्मल। दोनों सेल बेसिकली कौन सी हैं? एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब गार्ड सेल में अगर तुमको स्ट्रक्चर याद होगा तो गार्ड सेल में मैंने क्या कहा था कि ये है इनर वॉल, ये होता है थिक, और जो आउटर वॉल है वो होती है थिन। ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। ये है पोर, स्टोमेटल पोर, ओके। अच्छा ये भी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे कुछ माइक्रोफाइब्रल्स पाई जाती हैं, जो किसकी बनी होती हैं, जिनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, रेडियल ओरिएंटेशन। तो सारा लिखा हुआ है इसमें, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें, कि जो ये माइक्रोफाइब्रल्स हैं, माइक्रोफाइब्रल्स बेसिकली सेलुलोज की बनी हुई स्ट्रक्चर है, माइक्रोफाइब्रल्स ये सेलुलोज की बनी हुई, ठीक है, सेलुलोज की। और इनका जो अरेंजमेंट है रेडियल अरेंजमेंट है, बकवास होने करने के लिए रेडियल अरेंजमेंट नहीं है, उसका कोई अपना मतलब है, ठीक है, उसका क्या है, कोई मतलब, ठीक है। एक्चुअली ये जो माइक्रोफाइबल्स हैं ये हेल्प करती हैं, ध्यान रखना जो लिख रहा हूँ वही याद करना, हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। किसके हेल्प, किसमें हेल्प कर रही हैं? तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक काम कर सकता है, क्या लिख दे, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। तो क्लोजनिंग में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ किसमें रोल है, ओपनिंग में। अंडरस्टूड? ओके, तो ये चीज स्टोरी हो गई। अब थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी सब समझा चुका हूँ, इसको बहुत ज्यादा करने का मतलब नहीं है। तो मैकेनिज्म की हेडिंग डाल दिया, तो बच्चे मैकेनिज्म बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि थ्री पार्ट्स में होगा। थ्री पार्ट्स में से पहला है ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ नीजोफिल सेल्स,
ऑफ लीफ, ये वाला पार्ट करा दिया कि नहीं मैंने करवा दिया बताओ, ये वाला पार्ट करा दिया कि नहीं मैंने? अरे सारी स्टोरी इसी की तो बता रहा था मैं कि तुम्हारी लीफ है, लीफ में स्टोमेटा है, उसके ऊपर सब स्टोमेटल कैविटी है, वहां पे भी जो फिल सेल्स भरी हैं उनके चारों तरफ फिल सेल फिल्म जो है वाटर की प्रेजेंट है, हीट होती है, सनलाइट आती है तो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाती है, डीपीटी इंक्रीज होती है, वो स्प्रेड होती है, फिर वो एक पुल डेवलप करती है, ठीक है यही तो बताया सारा। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन में ये क्या है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बच्चे है ओपनिंग ऑफ, बताओ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और तीसरा स्टेप है बच्चे कौन सा, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप यहाँ पे बस एक लाइन लिख लो, इस वाले में क्या लिखो कि डीपीडी ऑफ मीजोफिल सेल्स इंक्रीज, क्या हुआ इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ क्रिएट, या इस तरह से लिखो थोड़ा सा और लिख दो, डीपीडी ऑफ मीजोफिल सेल्स इंक्रीज ड्यू टू इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या हो गया डीपीटी क्या हो गया इंक्रीज हुआ, ठीक है। एंड ये इसकी वजह से डेवलप हुआ क्या बच्चे, प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या हुआ बच्चे, प्रेशर ग्रेडियंट की ही वजह से क्या हो रहा है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ठीक है। तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल सेल्स, दूसरा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग, अब इतना ध्यान में रखना क्वेश्चन यहाँ से उस तरह से पूछा नहीं जाता, ये वाली स्टोरी मैं चूंकि पूरी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है कौन सी थ्योरी से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन किया गया। तो आप यहाँ पे लिख दो कि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ, या सीधे सीधे लिखो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा लिखा ही है, मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड वॉच एक्सप्लेन्ड टू के आयन एच आयन एक्सचेंज थियोरी, पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थियोरी, पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी से ये थ्योरी, एंड द थ्योरी वाज गिवन बाय बच्चे किसने दिया, लेविट ने, कब दिया 1930s अच्छा इसको प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी भी बोल देते हैं, पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी भी बोल देते हैं, इसका एक और नाम है के आयन मेलेट, के आयन मेलेट थ्योरी। आप और लगा दो यहाँ पे कहीं से, और के आयन मेलेट थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी बच्चे आए, तो अगर बहुत बाकी बाकी बकवास थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं तो मत करना, जो मेन थ्योरी है वो यही है के आयन एच आयन एक्सचेंज थ्योरी, या एक्टिव प्रोटॉन पंप थ्योरी, या के आयन मेलेट थ्योरी, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है तो मैं इसी को दिखाऊंगा आपको।
और तुमको एक काम की बात करता, काम की बात ये है, ये शायद 1970, काम की बात ये है कि इसमें से जो ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ क्या होता वो होता है कि जो प्रोटॉन और सॉरी पोटेशियम, दिस पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। कैसे? ये टर्जिडिटी बढ़ा देता है, किसकी? गार्ड सेल की। और गार्ड सेल की जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। गार्ड सेल क्या करेगा, मतलब वो टर्जिड होगा और उसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिबिलेंट तो तभी डेवलप होगा, मतलब ये सपोज करो लीफ पीपीटी ऑफ न्यूट्रोफिल सॉल्युबिलिटी ड्यू टू इवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर, ओके, और इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडिएंट डेवलप होगा। ठीक है, देखो बस ये लीफ, लीफ थोड़ी देर के लिए मैं मान लो कि एस्टोमेटा ऊपर की तरफ, मैं एस्टोमेटा नीचे नहीं बताऊंगा, ऊपर है मान लो। ठीक है, तो एस्टोमेटा से क्या है कि लाइट पड़ रही, वाटर वेपर उड़ा, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में निकला बाहर डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, पानी जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो क्या है, न्यूट्रोफिल सेल है जिनके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो वो निकल गया। तो उससे क्या होगा कि जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है वो कहाँ पे बढ़ेगा, सेल में, इमीडिएट सेल्स में बढ़ेगी, वो अपनी बगल वाली सेल से लेगी, वो अपनी बगल वाली सेल से लेगी, इसी तरह से वो पूरा स्प्रेड होता चला जाएगा। तो बेसिकली जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसका एक सिरा किधर की तरफ है, जस्ट एनवायरमेंट में, ये सब स्टोमेटल कैविटी में, और दूसरा सिरा जहां पे मेनली वाटर आ रहा है। तो वो एक हुआ ना, जब भी तुम प्रेशर ग्रेडियंट या किसी भी ग्रेडियंट की बात करते हो तो तुम जो है ना पॉइंट सेलेक्ट करोगे ना कि कहाँ से कहाँ तक, उनके बीच में जो डिफरेंस है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ठीक है, तो उनके बीच में जो ग्रेडियंट है उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो ये प्रेशर ग्रेडियंट मैंने लिख दिया है, बेसिकली कौन सा, आप इसको चाहे डिफ्यूजन प्रेशर का ग्रेडियंट बोल लो या टर्गर प्रेशर का ग्रेडियंट बोल लो। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि हम डीपीडी के टर्म पे बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर का ग्रेडियंट मानो ये। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो एनसीईआरटी में प्रेशर ग्रेडियंट लिखा है, इस वजह से शायद मैं भी लिखा गया। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन प्रेशर का ग्रेडियंट है। तो वो जो है बेसिकली वो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, वो ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से वो एक फ्लो बन जाएगा वाटर का। ठीक है, हालांकि ये भी चीजें तभी हुई होंगी जब ये ओपन हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं? ठीक है, बट चूंकि जिस तरह से सीक्वेंस बना हुआ था मैंने उसको कर दिया, ये ओपन हुआ होगा तब ये हुआ होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ होगा, क्लोजनिंग ऑफ एस्टोमेटा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को बाद में लिखा रहा हूँ, ओपनिंग एस्टोमेटा एंड क्लोजनिंग ऑफ एस्टोमेटा। तो ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा बेसिकली एक्सप्लेन की गई है किस थ्योरी से, प्रोटॉन सॉरी के एन एच एन एक्सचेंज थ्योरी, या प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी, या के एन मेलेट थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी इसको किसने दिया, ध्यान में रखना, साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में मोस्ट प्रोबेबली लिखा हुआ है, लेविट ने। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है किस चीज के लिए, ध्यान में रखना, किस चीज के लिए, ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा के लिए, ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, या कई बार इसको ये बोल देता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड का मतलब ही होता है यूनिवर्सल, सबने एक्सेप्ट कर लिया तो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब देखो बच्चे, आओ, पहला तो एक पॉइंट लिखो कि के आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या इस तरह से लिखो कि जो एंट्री है ऑफ के आयन, किसकी एंट्री, पोटेशियम की एंट्री, कहाँ पे बच्चे, इन गार्ड सेल, यही पॉइंट आता है बच्चे, जो बाकी का लिखाऊंगा उसके आने की पॉसिबिलिटी 0.1% इसके बाद। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि के आयन इज एंट्री ऑफ के आयन इन गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है, रक्त अभिकर्षण है ना। अब वापस से आ जाओ तुम कहाँ पे, एक गार्ड सेल बनाओ, बड़ा सा बनाना है गार्ड सेल, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि हम बना रहे हैं डाइकॉट प्लांट, तो हमने कैसा बनाया इसको, किडनी से,
होता है ना किडनी से, मोनोगॉट में कैसे होता है, ग्रासेस में। डम्बल शेप। चलो बीच में यहाँ पे कहीं बनाओ, क्या क्या बनाओगे, क्या होता है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट तो जरूर हो जाएगा। अरे पहले उसकी वैक्यूल बनाओ, बिना वैक्यूल के काम ही नहीं चलेगा, क्लोरोप्लास्ट तो बनाना ही है। वैसे तुमको याद कहाँ से आ गया क्लोरोप्लास्ट, वो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझते हैं, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ी नहीं, तो फिर भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्लोरोप्लास्ट दो टाइप का होता है, एक जिसमें ग्रेना होता है, दूसरा जिसमें ग्रेना। अब ग्रेना ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ लैमिनर स्ट्रक्चर ही नहीं होते हैं, कौन सी स्ट्रोमा लैमिनी वो बस होती है, बाकी नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रोमल लैमिनी में सिर्फ एक ही टाइप का फोटोसिंथेटिक या फोटो सिस्टम पाया जाता है, कौन सा, फोटो सिस्टम 2 या 1, बोलो। हम तो ढक्कन, तुमको नहीं पता, मैं बताऊंगा भी नहीं, छोड़ो, तुमने पढ़ाई नहीं है तो बताने कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तुम लोग ने 12th तो करके आए ही हो, इतना तो तुम मना नहीं कर सकते हो। चलो चलो चलो, रहने दो रहने दो, दिस इज द गार्ड सेल। वैसे टाइम मुझे बता देना, बिटवीन टाइम लगा के, दिस इज वैक्यूल, गार्ड सेल है और क्या है, वैक्यूल। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो गार्ड सेल है इसका पीएच जो है चेंज होता है। पीएच क्या होता है, चेंज डिपेंडिंग अपॉन डे एंड नाइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे कार्बोहाइड्रेट, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब तुमको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बच्चे चेंज होगा, पहले उसका डाइजेशन होगा हाइड्रोलाइसिस से, ताकि वो चेंज हो जाए किसमें, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज बनाएगा बच्चे क्या, पीईपी प्लस, इसको मिल जाएगा क्या बच्चे, CO2। CO2 कहाँ से मिल रहा है इसको, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, CO2 इसको एटमॉस्फेयर से। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट से पीपी के, ये शायद अल्कलाइन उसमें होती है, इसके लिए कौन सी पीएच चाहिए, मैं एक बार देखूंगा रुचि, क्योंकि कहीं गड़बड़ कर अल्कलाइन पीएच। तो एल्कलाइन पीएच में कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाता है, फॉस्फोइनाल पाइरूवेट। ये आप पढ़ोगे, और ये पूरा रिएक्शन कहाँ पे, जब मैं आपको कैम पाथवे या C4 पाथवे पढ़ा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉस्फोइनाल पाइरूवेट क्या है, दिस इज द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन केस ऑफ C4 प्लांट का कैम प्लांट। ठीक है, तो जो फॉस्फोइनाल पाइरूवेट है, अब ये क्या करेगा, ये CO2 के साथ करेगा रिएक्शन, ये CO2 को अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। फॉस्फोइनाल पाइरूवेट में कितने कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन उसको मिला CO2 के साथ, तो इन दोनों ने मिला के बना दिया बच्चे क्या, क्या बनाया, ऑक्सिलो, स्टार्ट में लिखूं क्या, तो सब बच्चे को पता होना चाहिए कि दिस इज द ऑक्सलोएसिटिक। अच्छा, ये ऑक्सलोएसिटिक एसिड बच्चे इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये वेक्युलर मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं दोनों, ब्लास्ट, ये इसको क्रॉस नहीं करता, तो बच्चे चेंज होगा मैलेट। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने मैलेट क्यों लिखाया है, यहाँ पे मैंने मैलेट क्यों लिखाया है, क्योंकि ये मैलेट का फॉर्मेशन है। अब ये मैलेट बच्चे क्या करेगा, ये चला जाएगा वेक्यूल के अंदर। तो सॉरी, ये आ गया मैलेट, इतनी बात हो गई। अब एक और चीज होगा, इसकी जो गार्ड सेल की जो वॉल है, वॉल पे कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट, वॉल पे कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट। तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये एंटीपोल्ड, क्या है, एंटीपोल्ड।
ये एक तरफ से पोटेशियम को लाएंगी, दूसरी तरफ से एचाइन को वापस भेजेंगे। एचाइन कहाँ से आया? इस मैलेट के साथ एचाइन अपना था, रहेगा ही, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहां से तुम लेके आओ, किसको लेके आओ? इसके चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट है बच्चे? सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, ठीक है। तो यहां आया इसका पोटेशियम, कहाँ से आया? उसके सराउंडिंग से, वो इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है वो आपका, मतलब आप बाहर से, क्योंकि सब्सिडरी सेल के बाहर से भी क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। तो के आयन आ गया, इसके इसके एक्सचेंज में बच्चे क्या हुआ? एच प्लस बाहर चला गया। ये जो के आयन यहाँ पे आया था साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पे आ गया? वेक्यूल के अंदर, वेक्यूलर सैक। जैसे ही ये के आयन यहाँ पे बनने लगा, बाहर से आने लगा, ऑस्मोटिक कंसेंट क्या हो गई? राइज कर गई। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन जैसे ही राइज कर गई, सर जो सब्सिडरी सेल्स हैं वहां से H2O क्या करने लगा? आने लगा। तो टर्जिडिटी क्या हुई? बढ़ गई। टर्जिडिटी बढ़ी तो स्टोमेटा क्या होगा? अल्टीमेटली ये किसकी वजह से हुआ? एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन। तो जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, दैट वाज एक्सप्लेन बाय द टर्जिडिटी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। विद डाउट होना भी नहीं चाहिए, होगा भी तो क्या कर लोगे? आधी मैकेनिज्म है, अभी आधी बताना है। मैंने एक जगह पे कहा था कि मुझे कुछ देखना है, तुमने बताया नहीं मुझे क्या देखना है। अच्छा, हो गया? नहीं है, कुछ ही नहीं कर सकते। आई वाज एब्सोल्युटली राइट। एल्कलाइन ही है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को मान के चलना बच्चे कि किसमें चेंज हो गया होगा फाइनली? ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ये CO2 और वो PEP बनाया, और ये किसकी कौन सी पीएच में हुआ? एल्कलाइन पीएच में। और एल्कलाइन पीएच किस टाइम पे होता बेटा? ये टाइम, ठीक है। तो ये आपका ये बना ऑक्सलोएस्टेरिक एसिड, मैलेट बना, मैलेट अंदर आ गया। तो बेसिकली पोटेशियम और मैलेट मिलके गार्ड सेल का क्या बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बच्चे? तो यहाँ पे लिखो कि जो एंट्री है ऑफ पोटेशियम इन गार्ड सेल, ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चे? एंट्री ऑफ क्या? एंट्री ऑफ H2O कहाँ पे? इन गार्ड सेल। और गार्ड सेल बच्चे, गार्ड सेल को GC से रिप्रेजेंट कर दो, गार्ड सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, और टर्जिड होगी तो ओपनिंग ऑफ क्या होगा बच्चे? ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एक्सप्लेन बाय के आयन एच आयन एक्सचेंज थ्योरी गिवन बाय लेविट, और उनके अकॉर्डिंग जो पोटेशियम आयन है वो बेसिकली स्पेशल एक्टिव। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चे, ये किसकी उससे हो रही है? एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। या यहीं पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो एक्टिव प्रोसेस, इसमें लगा है ATP। अब आ गया तीसरा स्टेप बच्चे, तीसरा स्टेप क्या है? फटाफट बताओ तीसरा स्टेप क्या है? क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। इतना तेजी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं क्या मैं? तो जो क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा है बच्चे,
दिस क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा वाज एक्सप्लेन बाय, किस पे एक्सप्लेन किया गया? अब टीचर जानते हो क्या करता है, ये जो मैंने बाद में लिखा है नहीं लिखता, सीधे लिखता है क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके आगे एक लाइन और एबीए थ्योरी। मैं लिखा देता हूँ मुझे, क्योंकि लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में 10 दिन बाद जब वो नोट्स उठाओ तो ये ना समझ में आओ कि ये एबीए थ्योरी क्या होता है। तो मैं लिखा रहा हूँ, वैसे तुम इतने बुद्धिमान हो, ठीक है। एक्सप्लेन बाई एबीए थ्योरी, एबीए थ्योरी से बच्चे एक्सप्लेन किया गया। अब तुमको एक चीज बताता हूँ कि जो ये एबीए है ये क्या है बच्चे, एब्सेसिक एसिड। क्या वो एब्सेसिक स्पेलिंग बताओ फटाफट, ये नहीं, अब तुम मत बताओ, सुनना ही नहीं है। ट्रांसपिरेशन, माफ नहीं किया जाएगा बिल्कुल से किसको, किताब वाले। एबीएस SIC। अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, दिस इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो भी किस टाइप का, इनहिबिटरी टाइप का। मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस हो रही है उनको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो एब्सेसिक एसिड का अब आपसे क्वेश्चन इतना डीप में नहीं पूछेगा, आप नीट के स्टूडेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कि क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। चार ऑप्शन दिए होंगे जिसमें हो सकता सिर्फ एबीए ही लिखा हो। एब्सेसिक सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता ही है ये, डीप में जाने के चांसेस बहुत कम। पर फिर भी तुमको बता देता हूँ कि ये जो एबीए है करता क्या, ये रिवर्स करा देता है। किस चीज को रिवर्स कराता है, रिवर्स द एंटी ट्रांसपोर्ट, सॉरी रिवर्स द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। जो इसका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का फंक्शन है उसको क्या कर देगा, रिवर्स करा देगा। तो यहाँ पे लिखो रिवर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ के आर एच आयन एक्सचेंज। अब इतने तो अंडरस्टूड है ही होगी, किस चीज पे अफेक्ट करेगा जिससे वो एक्सचेंज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को अफेक्ट करेगा। अब तुम बताओ आगे कुछ लिखाने की जरूरत है मुझे, नहीं है क्यों, जैसे ही के आयन वापस जाएगा इसकी ट्रेजिट्री क्या होगी, घट जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, पानी बाहर निकल जाएगा जो अंदर आया था और वो फैसिड हो जाएगा स्टोमेटा। तो दिस इज द होल स्टोरी। और ये बच्चे इसमें एक और चीज का रोल होता है, ये क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में एबीए थ्योरी के साथ साथ उन्होंने ही बोला, जिन्होंने एबीए थ्योरी दी उन्होंने ही बोला कि जो एट नाइट, रात के टाइम पे, रात के टाइम पे, ये वाला क्या हुआ था डे के टाइम पे। तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो पीएच है वो हो जाता है बच्चे क्या, एसिडिक। मतलब पीएच डिक्रीज करता है, एल्कलाइन पीएच था, पीएच डिक्रीज हुआ, पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, एसिडिक कंडीशन आई। तो एसिडिक कंडीशन होगी तो ये जो पीपी है जो चेंज हुआ था वो बेसिकली पीपी अवेलेबल नहीं रहेगा, ये पीपी अवेलेबल नहीं होगा। ये पीपी बनता ही तब है जब क्या होता है, जब पीपी नहीं रहेगा तो ये मैलेट नहीं बनेगा, मैलेट नहीं बनेगा तो ये अकेले के आयन उतना रोल प्ले कर नहीं पाएगा। मतलब दोनों चीज है, एक तो के आयन को रिवर्स कर दिया, ये थोड़ा बहुत मैलेट भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था तो उसको भी क्या कर दिया, शांत कर दिया, ठीक है। तो पीएच एसिडिक हो गई तो नो इंटरकन्वर्जन, या इस तरह से बोल दो नो पीपी सिंथेसिस, ना ही पीपी की सिंथेसिस होगी और ना ही जो है मैलेट बनेगा, ना ही मैलेट बनेगा तो थोड़ा बहुत जो इसकी वजह से बढ़ रहा था मेनली वो पोटेशियम आयन की वजह से गार्ड सेल की टर्जिटी इंक्रीज होती है।
एबीए वाला कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आ गया। अच्छा एक काम करो, 12 18 प्लस कितने जितने जहां पे आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन लिखे हुए हैं, अगर ये कम हो गया हो ये काम, तो जहां पे ट्रांसपिरेशन के टाइप्स लिखे हैं वहां पे जाओ, और वहां पे एक जगह 90% है वो करेक्ट है, और जो जो दूसरा है कौन सा उसको बेटा 9 से 10% कर दो, 9 से 10% 10% कर दो उसको। 9 लिखा उसको 10 कर दो, कह दो कि ये फिर 1% कहां से जाएगा, उसको 0.1 कर दो, लास्ट वाले को 0.1 कर दो, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन 0.1%, लास्ट वाला 0.1। बच्चे अब मैं कहां जाऊं ये बताओ, तो आप कहीं ना जाओ, मैं अपनी राइटिंग देखूंगा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है वैसे ही। पता राइटिंग ना एक बार जिसकी जैसी होगी वैसे ही रहती है, वो लाख कोशिश कर लो चेंज नहीं होती। हाँ तो मैं वैसे आगे बढ़ता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन लिख रहे हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग एसेंट ऑफ सैप, दोनों से कवर हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन करोगे तो एसेंट ऑफ सैप अपने आप कवर हो जाएगा। ये मैं इरेज कर सकता हूँ, इधर वाला कर देता हूँ। देखो फटाफट बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, अब इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो बच्चे कि ये किसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसेंट क्या सर। अच्छा तो चलो ट्रांसपिरेशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा सबसे पहला होता है, तो बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कुछ, दोनों तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन, कौन से, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। तो अगर मैं पहले एबायोटिक फैक्टर की बात करूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एबायोटिकली अफेक्ट करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पहला जो बताऊंगा बच्चे वो क्या बताऊंगा, वाटर, सनलाइट लें या वाटर लें क्या लें, मुझे पहले बताओ कि चार जो हमने इकोलॉजी में पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे, एक तरफ से बताओ, सबसे पहले टेम्परेचर, देन सॉरी वाटर, देन सनलाइट, देन आज वैसे करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बच्चे अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, बट ये बच्चे एक लिमिट है, अगर तुम एक्सीड कर दो टेम्परेचर बहुत तो एंजाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, सारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो जो भी बात हम करेंगे एक नॉर्मल रेंज पे करेंगे, तो आप सीधे बोलना कि टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज कर देगा, तब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। दूसरा बताओ मुझे, अच्छा टेम्परेचर में भी बच्चे होता है कि इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है ये डिस्कस करेंगे हम, कब डिस्कस करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस में फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा बच्चे आ जाओ सनलाइट, सेम चीज सनलाइट का भी है, बच्चे इंटेंसिटी तो अफेक्ट करेगी, ड्यूरेशन भी करेगी,
अच्छा क्वालिटी, अच्छा ये आ जाएगा आपका दोनों के किस चीज पे आएगा, क्वांटिटी। इसके अलावा फिर आप बात करो क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सनलाइट, क्वालिटी ऑफ सनलाइट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो लाइट का स्पेक्ट्रम, तो लाइट स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज पे बात करें तो बच्चे जो ब्लू लाइट है, कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, ये क्या करवाती है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब बताओ क्या होगा, ब्लू लाइट से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, दैट मीन्स की ट्रांसपिरेशन रेट। अच्छा दूसरी है आपकी शायद रेड लाइट, ये कराएंगे क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो क्वालिटी का भी मैंने बता दिया आपको सनलाइट के रिस्पेक्ट में। तीसरा बताओ बच्चे, वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, सीधे बोल सकते हो तीसरे में वाटर अवेलेबिलिटी। अब एक चीज श्योर है, अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा, लेस वाटर लेस ट्रांसपिरेशन। अच्छा सॉयल और दोनों का हिसाब किताब मैंने एक ही साथ कर दिया, ये तो हो गया। अच्छा बायोटिक फैक्टर वाला बात बताओ, ये बायोटिक फैक्टर, ये बायोटिक फैक्टर वाली कहानी बताओ, बायोटिक फैक्टर में कौन कौन से, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना, बायोटिक फैक्टर को 3 या 4 लाइन में लिखना, मतलब कि सपोज कर लो मैं पेड़, ठीक है, तो मेरे पास जितनी लीफ होंगी मतलब उतना ज्यादा मेरा एरियल सरफेस होगा, जितना एरियल सरफेस होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो आप लिखो कि नंबर ऑफ लीव्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा प्लांट की जो कैनोपी है बच्चे, कैनोपी ऑफ क्या मतलब है, कैनोपी ऑफ प्लांट से मतलब सपोज कर लो कि एक प्लांट है वो इस तरह से, इस तरह से, तो उसका ज्यादातर सरफेस सनलाइट के एक्सपोजर पे आ रहा है, सनलाइट के एक्सपोजर पे आएगा तो ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। अब सपोज कर लो एक प्लांट आपका इस तरह का है, इसका ज्यादातर एरिया क्या है, हिडन, तो क्या हो जाएगा एक बात ये हो गई, तो कैनोपी ऑफ द प्लांट हो गई। एक और चीज वो ये है, क्या है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा था, दिमाग से स्थित हो गया, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द लीव्स, हालांकि ये था नहीं वो दूसरा चीज है, पर अब इसी को लिख लो पहले, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द लीव्स। ये बायोटिक फैक्टर्स हैं कुछ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी लिख लो, हमने यहाँ पे मत लिखो, हम आगे फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो वहां पे करेंगे। अच्छा बच्चे अभी अब सिग्निफिकेंस का टाइम है हमारे पास, चलो जितने हो जाएंगे उतना बढ़िया, सिग्निफिकेंस लिखते हैं एनसीईआरटी में एक बार, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा उसमें शायद इस तरह से लिखा हो, ओपनिंग ऑफ एस्टिमेटा के लिए, वैसे सर ट्रांसपिरेशन के लिए ही लिखा हुआ है, पर ओपनिंग ऑफ एस्टिमेटा के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखा, तब भी वो बेसिकली ट्रांसपिरेशन का ही, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्या,
सिग्निफिकेंस किसका बच्चे, ट्रांसपिरेशन, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, लिखते जाओ, मैं बोल दूं लिख लोगे? चलो लिखो, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल पुल, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल डिसेंट ऑफ सैप। अब इसी के आगे लिख देना एसेंट ऑफ सैप, तो क्या हो रहा है बच्चे, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर एंड मिनरल अवेलेबिलिटी, तो दोनों को जरूरत है उसको, मिनरल अवेलेबिलिटी फॉर इस चीज के लिए फोटोसिंथेसिस, एसेंट ऑफ सैप हो गया। दैट मींस कि यहाँ से एक और चीज हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कूलिंग ऑफ द लीव्स या एरियल सरफेस, कूलिंग ऑफ गैसियस एक्सचेंज लिख दो बच्चे। अच्छा ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन एक, प्लांट के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस प्रोसेस से होता है, प्रोसेस पूछना और एक्सप्रेशन बता। कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये स्टेटमेंट तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, कंट्रोल्स ऑफ हाइड्रो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है, इसको क्या बोल सकते हो, कौन सी साइकिल, ये वाटर साइकिल, ट्रांसपिरेशन होता है ठीक है, और इवेपोरेशन भी होता है वाटर का, मतलब नॉर्मल सरफेस से और प्लांट वगैरह, तो जो ऊपर जाता है वाटर वो डस्ट वगैरह के साथ मिलके क्या बनाता है, क्लाउड, क्लाउड फिर क्या होता है, वापस आ जाता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बन जाता है। एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, यही बता दो, भूल जाऊंगा आगे, बस एक लाइन और लिख लो या सिर्फ सुन लो समझ लो, टाइम कितना हुआ, अभी तो 32 हुआ है, गाना सुना है, तो पहले गाने का कुछ बताओगे तब ना समझ में आएगा, तुम तो पहले नहीं कर गए, किसने कहा, किसने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जरूरी सुना होगा, डांस भी किए होगे। चलो मैं क्या बताने जा रहा था कि बच्चे एक होता है C4 प्लांट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या एवोल्यूशन किसका, C4 प्लांट का। अब तुम मुझे आगे की स्टोरी बता सकते हो कि जो C4 प्लांट्स का एवोल्यूशन है किस वजह से है? एनसीईआरटी नहीं लिखता, मुझे थोड़ा डाउट में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द एडॉप्टेशन ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इसका इसलिए हुआ है क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन को बचाया जा सके। आज के लिए इतना है।
नहीं इसको मैं देखूंगा, एनसीईआरटी का लिखा अभी ऐसे। ओके ओके ओके, एनसीईआरटी इज करेक्ट, लिख लो बच्चा एनसीईआरटी इज करेक्ट। उसने ये थोड़ी लिखा है कि ओनली, ने लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ सी फोर प्लांट्स बेसिकली प्रोबेबली पहले लिख दिया प्रोबेबली वन ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग बोलो, बस सुधार लेना है आप तो भी, अरे सुधार लेना जो भी है, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज वाटर लॉस अलोंग विथ, एक तो हो गया बच्चे वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, दूसरा इंक्रीज CO2, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन। जानते हो फुट रेस्पिरेशन क्यों होता है C3 प्लांट्स में? C3 प्लांट्स में फुट रेस्पिरेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो CO2 कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर की वजह से, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से CO2 बाइंड नहीं कर पाती अपने काउंटर पार्ट एंजाइम के साथ जब वो, और उसके साथ क्या है कि वो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करती है और वो CO2 के साथ भी बाइंड करती है। अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गई तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो फोटो रेस्पायरेशन करेगी, फोटो रेस्पायरेशन करेगी तो कार्बन का लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे, नेक्स्ट चैप्टर ही वही है, ठीक है। तो मतलब फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा तो उसको अवॉइड करने के लिए नेचर ने एक और डिफरेंट टाइप के प्लांट के अंदर सिस्टम डेवलप कर दिया, और फिर उनको हमने क्या रीड किया, किस नाम से पढ़ा, C4 प्लांट। तो C4 प्लांट्स ने क्या था कि उसने दो चैम्बर बना दिए, दो टाइप की सेल्स बना दी। अब उसने बोला कि नहीं तुम जो है एक एक हम मैं एक ऐसे एंजाइम दे रहा हूँ जो लो CO2 कंसेंट्रेशन पे भी क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, और वहां से CO2 को पकड़ पकड़ के, CO2 को पकड़ के अंदर वाली सेल पे लाना, तो अंदर वाली सेल पे ले आए। तो वो क्या कर रहा था, उसका सिर्फ एक ही फंक्शन था क्या, CO2 को पकड़ के अंदर लाना, ठीक है, बहुत सारा CO2 इकट्ठा कर देना अंदर वाली सेल पे। मीजोफिल सेल पे दो सेल थी तो मतलब उनकी सेल में एनाटॉमी में इस तरह से हो गया कि अंदर वाली सेल बंडल सीट सेल थी, बाहर वाली सेल क्या थी, मीजोफिल सेल, ठीक है। तो मीजोफिल सेल के पास एंजाइम दे दिया क्या, पीपी, और अंदर वाले सेल के साथ नॉर्मल एंजाइम था कौन सा, रुबिस्को। रुबिस्को से प्रॉब्लम क्या है कि उसको हाई CO2 कंसंट्रेशन चाहिए चाहिए, अदरवाइज वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ओके। और पीपी के साथ क्या है, इसकी एफिनिटी CO2 के साथ बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा है, तो कम CO2 कंसंट्रेशन भी होगा तब भी बाइंड कर लेगा। तो इसने क्या किया, पीपी CO2 बाइंड कर लिया, ये चेंज हो गया किसमें, पीछे अभी तो बताया था ऑक्जलोएसिटिक एसिड में, ऑक्जलोएसिटिक एसिड बेसिकली चला गया कहाँ पे, बंडल सीट सेल पे या मैलेट के फॉर्म में बंडल सीट सेल पे, वहां पे जाके इसने क्या किया CO2 को रिलीज कर दिया, CO2 चली गई कहाँ पे, बंडल सीट सेल। अब ये कंटिन्यूअसली उसका काम ही यही कि CO2 को अंदर लाके बंडल सीट पे छोड़ते जाओ। अब बंडल सीट सेल के पास तो ढेर सारी CO2, अब बढ़ा टेम्परेचर जितना बढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको, ठीक है, क्योंकि और एक साथ और काम किया कि बंडल सीट सेल में इस तरह का स्ट्रेटेजी डेवलप किया कि उसमें वो इम्परवियस हो जाए गैसेस, मतलब कि उसमें बाहर से ऑक्सीजन आने की पॉसिबिलिटी नल ऑलमोस्ट, पर ये उसके फॉर्म में जा रहा है ना, केमिकल के फॉर्म में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चला जाता है, पर उसकी मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होना ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब सिर्फ वहां पे अंदर CO2 है और रुबिस्को है, ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो अब उसको मजबूरी है बाइंड करना, तो बाइंड करेगा और फिर क्या करेगा, कार्बन का फिक्सेशन करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी, अच्छा ये तो हुआ CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी, वाटर जो लिख रहा है कि मिनिमाइज वाटर लॉस, तो एक्चुअली क्या है कि जो बंडल सीट सेल है, बंडल सीट सेल प्रोटोजाइलम के बहुत नजदीक है,
मतलब कि इनको डायरेक्टली वाटर कहाँ से मिल रहा है, ज्यादा लॉस हो ही नहीं रहा, वाटर का ज्यादा लॉस हो ही नहीं रहा, ठीक है। नॉर्मल सेल में ज्यादा वाटर का लॉस हो, यहाँ पे जैसे ही वो निकलेगा वो सीधे कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से इसने मिनिमाइज कर दिया वाटर लॉस। एक और है ये सीएम प्लांट्स, उनमें अंदर क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल चलती है, जो क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल है वो बेसिकली वाटर लॉस को एवेपोरेशन का स्पेशली एडाप्टेशन, ठीक है। तो वहाँ पे मैकेनिज्म सेपरेट है, वो डे और नाइट का चक्कर है।